क्या प्रेगनेंसी में सेक्स करते हैं, क्या सेफ है वो, इसके बारे में काफ़ी सारे सवाल हमको आते रहते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, ऑफलाइन कंसल्टेशन करते हैं, तो उसमें ये जवाबों को हमको देना पड़ता है। तो प्रेगनेंसी में स्पेशली ये सवाल कहाँ से आते हैं कि शादी होती है तुरंत प्रेगनेंसी रहती है, महीना, 2 महीने, 3 महीने में, और फिर उनको सेक्स करने में बहुत परेशानी आती है, तो फिर उसमें सवाल आते रहते हैं डॉक्टरों को कि हमने करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं आपको सब बताऊंगा कब कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, और ये बात जान के आपको डेफिनेटली एक नया तरीका मिल जाएगा या नया मार्गदर्शन मिल जाएगा। सो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, प्रेगनेंसी में सेक्स करना ऐसा कोई बैन नहीं है, अबेंडन नहीं है, कोई उसको मतलब नहीं है कि निर्बंध है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर सवाल ये आता है कि प्रेगनेंसी में जो यूटेरस का साइज है वो मतलब इतना चेंजेस होते रहते हैं, इतनी चेंजेस बॉडी में है कि एक सिंपल आप एग्जांपल ले लो कि यूटेरस जो है, गर्भाशय है, उसका वेट रहता है 50 ग्राम, साइज छोटा रहता है, और प्रेगनेंसी में वो फूलते 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 90 महीने तक वो बन जाता है 2 किलो का, और बहुत बड़ा बन जाता है। तो ये जो है, ये सिर्फ यूटेरस ही नहीं, तो सिर्फ गर्भाशय नहीं, बाकी भी बहुत चेंजेस होते रहते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी में हम उसको 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, पहला 3 महीना, बाद में 3 महीना, बाद में 3 महीना। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सेक्स करना नहीं करना बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। नंबर एक, क्या पहले एबॉर्शन की हिस्ट्री है, या पहले कुछ मिसकैरेज हुआ है, या पहले बच्चा हुआ था उसको मतलब वो जल्दी मर गया, या उसको कोई एनोमेलीज थी, मतलब कुछ तो भी क्या प्रॉब्लम था, या कोई बीमारी आ गई थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ऐसा कोई पास हिस्ट्री है क्या, या फिर वो लेडी को ऐसी कोई हिस्ट्री है क्या कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो भाई पहले 3 महीने केयर लेना जरूरी है, क्योंकि पहले 3 महीने में ही एबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहले 3 महीने में यदि डॉक्टर ने बोला कि हरकत नहीं है तो आप बिल्कुल सेक्स कर सकते हैं। फिर आ गया सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 4, 5 और 6वां महीना। अब ये पीरियड एकदम सेफ माना जाता है प्रेगनेंसी का, इसको बोलते हैं हनीमून फेज ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी का हनीमून फेज है ये, तो इसमें एकदम सेफ है। अनलेस कोई प्रॉब्लम है तो फिर नहीं करना है सेक्स, और यदि प्रॉब्लम नहीं है, सोनोग्राफी की हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे में प्रॉब्लम नहीं, माँ में प्रॉब्लम नहीं है, तो सेक्स अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, लेडी भी अच्छा एंजॉय कर सकती है, और दोनों को मज़ा आता है। फिर तीसरा जो है वो है 7वां, 8वां, 9वां महीना। अब इसमें क्या होता है, इसमें पेट बहुत बड़ा हो जाता है, तो नेचुरली पेट के ऊपर वजन नहीं डाल सकता पुरुष, तो फिर पुरुष का वजन कितना है, लेडी का वजन कितना है, यूट्रस का साइज कितना बड़ा हुआ है, बच्चे का साइज कितना बड़ा है, उसके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं क्या, तो ये सब सवाल आते हैं। इसके साथ साथ लेडी को हार्ट का प्रॉब्लम था क्या, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, और कोई बीमारी है, तो ये सब प्रॉब्लम्स देख के, डॉक्टर का सलाह लेके, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर जो है मतलब 7वां, 8वां, 9वां महीना, उसमें सेक्स करना कि नहीं वो डिसाइड करो। ये डॉक्टर ने मना किया है कि नहीं करना है सेक्स, तो फिर आप सिर्फ फोर प्ले कर सकते हैं। फोर प्ले में आप योनि लिंग जो है क्लाइटोरिस, उसका स्टिमुलेशन करते हैं, जी स्पॉट का स्टिमुलेशन करते हैं, सेक्स टॉइस जो है मतलब वाइब्रेटर है उसके साथ में उसका सेटिस्फैक्शन करवा देते हैं फीमेल का, तो उसमें उसको मजा आएंगी और आपको मजा आएंगी। हो सकता है कि आपका मास्टरबेशन वो करके देंगे, उसका मास्टरबेशन आप करके देंगे यदि अबेंडन है तो, और फिर दोनों एंजॉय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिलीवरी के बाद में 40 दिन रोक के रखना चाहिए सेक्स, बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उस समय काफ़ी सारा मटेरियल बाहर आते रहता है, डिस्चार्जेस बाहर आते रहते हैं, गंदा बाहर आते रहता है, तो इसमें डेफिनेटली परफॉर्म नहीं करना है। समझो इन्फेक्शन हुआ है वजाइना के सब वहाँ जगह पे, या टाके पड़े हैं, या कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है, या कोई भी बीमारी हो जाना की हुई है, सीजेरियन हुआ है, तो डेफिनेटली डॉक्टर को पूछ के ही करना है। तो ये सब बातें यदि है तो डॉक्टर की सलाह लेके ही 40 दिन के बाद में फिर आप सेक्स कर सकते हैं, अन्यथा 40 दिन के पहले करने का नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि बेबी को तकलीफ होंगी क्या सेक्स करेंगे, तो बेबी को कोई तकलीफ होती नहीं, क्योंकि बेबी जो अंदर रहता है पेट में, तो उसके बिल्कुल सराउंडिंग पानी रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड पूरा पानी रहता है, तो बेबी को ये मालूम भी नहीं होता है कि सेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेबी को कोई नुकसान पहुंचता नहीं है, लिंग का योनि में प्रवेश करने के बाद बेबी को धक्का नहीं पहुंचता है, क्योंकि वजाइना बहुत नीचे है, मतलब इंटरकोर्स जहाँ होता है वो बहुत दूर है बेबी से, तो
तो बेबी को ऐसा कुछ भी होने वाला है नहीं। यदि कोई डॉक्टर ने बोला है कि नहीं करना है सेक्स, तो फिर सेक्स मत करो। अदरवाइज पहले 3 और आखिरी के 3 महीना बहुत ही प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। बीच के 6-3 महीने जो है उसमें आप, हनीमून पीरियड है, उसमें आप बिल्कुल सेक्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।